Fuck, when I said come on. Zoom, zoom. Yeah. Hi guys, I'm Nohra Nibe. Three, on Khurani, on Khurani. Three, two, one, and go. Hi, Baba, on both sides. Dikha, on Khurani. Hi guys, swagat hai mera channel. So, pehle bike ko jaane dete hain. Jaise ki aap logo ko title aur thumbnail dekhkar pata chal hi gaya hoga. Aaj main dene wali hu home tour. Yes, kyunki mujhe mera man tha aur kyunki hume zyada comments chahiye bhi nahi. Ek comment kafi hai aur idhar bike aa gaya fir se. To, yeah, ek comment dekha aur fir depend karta hai apne upar. और फिर डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हमको क्या करना है। मेरा मन था होम टूर देने का और शिंजो इधर आ गया होम टूर देने का, तो या लेट्स गो। तो ये है जैसा कि हमारा गेट, अच्छा इधर से स्टार्ट होता है, हम बाहर से नहीं दिखाएंगे। ये हमारा गेट, ये ऐसे दिखाना पड़ेगा क्या थोड़ा दूर से। ये हमारा गेट, हमने कुंडी मार कर रखा हुआ है, ठीक है ठीक है। हाँ, ये ऐसे खुलता है, ये भी दिखाना पड़ेगा। और ये बाहर से तो खोलने का बिल्कुल भी ज्यादा चांस नहीं है, इसको अंदर से खोलना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइट होकर लगता है। फिर आप पीछे जाइए, आप इधर आ जाइए तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। सो फिर आता है ये हमारा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इधर सिर्फ वो होता है कम विथ में मेरे साथ अमर साथ साथ। और इधर हमारे झगड़ा चल रहा है, और इधर हमारे बगीचा, हमारे हमारे आने फ्रेम हो कम तो जाता हमारा। तो इधर हमारा होता है बगीचा, गार्डन, खेत, जो भी है। मम्मी पापा सारे ये साइड और ये साइड करते हैं सब्जी। अंदर घुसने के बाद गाइस, अंदर घुसने के साथ गाइस, बाद गाइस ये सब देखने को मिलता है। तो प्लीज कम 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 कम। और फिर इधर आने के बाद आपको एक ऐसे कपड़े टांगे हुए तार मिलेगा। फिर इधर अभी नहीं है, बट इधर मिलेगा आपको शिंजो, टाइसो और ब्राउनी, तीनों मिलेंगे। बट उनको देखकर डरने का नहीं, हमारे घर के इतने अच्छे अच्छे कुत्ते, किसी को नहीं काटते, सो डोंट बी स्केर्ड, ओके। घबराने का नहीं, बट भौंकते बहुत ज्यादा है। हम जाए अंदर, लेट्स गो। जब आप एंटर करते हो फिर आपको मिलता है ये ग्रिल, जो कि मास्क इधर लटका हुआ है, जो कि ऐसे खुलता है। ओह, आई थिंक गाइस कम विथ मी, बंद करके फ्लैश ऑन कर। व्हेन यू एंटर्ड गाइस, आपको इधर मिलता है कचरा, कचरा इन द सेंस लाइक हम इधर शूज रखते हैं, और इधर ये कुछ है, पापा का फिशिंग रॉड है और झाड़ू है, और ये बस्ता, मतलब इधर हमारे ये सब रहता है। इधर थोड़ा बहुत कचरा और यूज, जो कि डेली लाइफ में यूज होता है, तो ऐसा ही है। फिर इधर एक खाली जगह थोड़ा, फिर हम इधर जाते हैं मंदिर से शुरू कर, सामने दिखा लेना, अब फौजी की जगह। ओके, तो इधर है हमारा पहला रूम, जो कि बाद में दिखाएंगे अभी, और पहले इधर दिखा देते हैं। जब आप आओगे, इधर हमारा मंदिर है, हमारा पूजा का घर। सो यार, पूजा वूजा हो गया, डन, मैंने सारे काम खत्म करके शुरू किया, ट्यूशन भी है। सो आप फिर से पीछे जाओ, इधर दिखा लिया। तो ये वाला मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले जाते हैं हम अपने रूम में, मतलब ये है मम्मी पापा का रूम। सो कम ऑन गाइस, कम ऑन। ये है हमारा रूम, ये हमारा, मतलब ये मम्मी और पापा का रूम है। इसके बाद इधर से किसी रसना, जब आप इधर से एंटर करते हो तब तो आपको मिलता है ये वाला रूम, मम्मी पापा का रूम। देन कम ऑन, कम विद मी, आपको आपका एंटर होता है हमारे रूम में। कम आते हैं इधर, देखना तो दीदी मिलेगी, फिलहाल के लिए नहीं है, मेरा कैमरा के पीछे है। अरे कैमरा के पीछे है। ओके, फिर आता है हमारा रूम। सो कालू और लालू दोनों बैठे हुए हैं, और इधर है हमारा थोड़ा अच्छा वाला, क्या बोलते हैं इसको दीदी, इसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग टेबल काइंड ऑफ, हमने इसको अच्छे से सजा कर रखा है, यू नो, सस्ता ड्रेसिंग टेबल। फिर आता है हमारा मेरा फेवरेट पार्ट, मेरा ये खिड़की, यस। फिर आता है ये वाला वॉल, जो मैं चाहती थी सजाऊं, बट इधर फ्रेम लगा है, वो पूछो मत कितने बार गिर गया। फिर आता है हमारा खानदानी पुश्तैनी, बहुत ही पुराने जमाने का अलमीरा, जो की मेरे पड़ 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 दादा का था, दादा के टाइम के टाइम का था। ओके, फेवरेट है, उसको कलर करके देखा कितना सुंदर लग रहा है अभी। फिर आता है ये वाला एरिया, जो कि आप लोग देख सकते हैं मिसमैच हमेशा ही रहता है ये वाला एरिया, व्हाटएवर, मैं समझ गया ना। फिर आता है हमारे घर का छत नहीं है, सो छत नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, और इस वजह से मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं पसंद, और स्पेशली हमारे रूम में तो बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। कम ऑन, फिर आता है
ये वाला दरवाजे पे आपको मिलेगा ये, जिसको देखकर डरने का नहीं, ये मेरे बचपन का ये मेरा स्कूल का फोटोग्राफ्स है जिनके मतलब ये पूरा हम गैंग थे, बस इसमें लड़के नहीं है, लड़के भी थे हमारे गैंग में शामिल, बट हम कुछ है फ्रेंड्स। फिर फोटो अभी नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, अगर नहीं ये सब नहीं दिखाएंगे। ओके देन दरवाजे के पीछे आता है हमारा रिंग लाइट, हमें ऐसे जगह पे, मेरा प्लान था कि मैं इस वाले रूम को बनाऊंगी अपना रूम, बट पापा बोलता है कि ये वाला रूम ठीक कर ले, बट तेरे को सोना पड़ेगा इस रूम पे। मैंने कहा इसको रूम नहीं बोलते, तो मैंने कहा कि बाद में सेटल करेंगे, ठीक है। तो फिर आता है हमारा ये वाला रूम, जो कि रूम कम स्टोर रूम ज्यादा है। लाइक ये वाला पार्ट तो ठीक है, इस कोने से देखोगे तो ये वाला पार्ट ठीक है हमारा, बट अगर आप इधर टर्न होते हो तो ये वाला पार्ट थोड़ा मैस है, क्योंकि ये वाला पार्ट में जिम के फिर जो नहीं यूज होता वो सब है इस बिस्तर पे, और हमारे घर में बिस्तर की कमी नहीं है गाइस। दूसरा एक बिस्तर था जो किचन में था, वो गया मासी की शादी के लिए दादू के घर। When you entered in this room, फिर मिलेगा आपको एक चेयर जिसपे हमेशा कपड़े रहते हैं, बट फिलहाल के लिए खाली है। फिर ये इसको बोलते क्या है, रैक, रैक, ओके। इसको हम बहुत ट्राई किए कि हम इसको सुंदर करके रखे, बट ये नहीं रहता। कुछ नहीं कर सकते खानदानी पूछते नहीं, बहुत पुराना माँ का जान का टुकड़ा है ये, बट इसमें हमारा सारा कुछ हमारा कपड़ा है। फिर ये आते हैं दो बिन बैग जिसमें कपड़े हैं, उस अलमीरा में भी कपड़ा था, गॉडरेस में भी, मम्मी के रूम में गॉडरेस में भी कपड़ा था, ये वाला पूरा एरिया ये कपड़ा ही कपड़ा है। फिर आता है हमारा टेबल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्टडी टेबल, जिसपे आज सुबह बिल्ली आकर इधर मेरे बैग पे ऊपर सोई और उसका मतलब उसका हेयर पूरा मेरे बैग पे लग गया, पता नहीं मैं ट्यूशन कैसे जाऊंगी। फिर आता है इधर एक्स्ट्रा चेयर जो है हमने इधर रख दिया है, इधर वो क्या बोलते हैं बकेट, बकेट के अंदर हमारे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्तन है, वो हमने रख दिया, मैं दिखाती हूँ, एक्स्ट्रा बर्तन है मैंने उधर रखा हुआ है। फिर ये वाला एरिया तो मैंने बता ही दिया, कचरा और कचरा, कचरा नहीं मतलब जो यूजलेस है फिलहाल के लिए यूजलेस है, हमने इधर रखा है टेबल, टेबल चेयर इन सब की मतलब अवेलेबल है हमारे घर पे। फिर आता ये, इसके अंदर तो जूतों की कोई कमी नहीं है। फिर आता ये जिसको हमने ढक्कर रखा है, क्योंकि ये थोड़ा मिस्ट्रिप टाइप का है, लाइक पापा के रेस्टोरेंट था ना, तो उससे पापा बंद के लिए वो रेस्टोरेंट, तो हमने सारा कुछ आकर रख दिया। तो ये पापा के रेस्टोरेंट से जिसपे है हमारा इधर फटा हुआ है, जिसपे ये जूते है। फिर इधर कुछ कपड़े वपड़े है जो मतलब वो होता है ना पुराने कपड़े वो सब है। इधर कुछ बॉक्स वॉक्स है, दैट्स इट। फिर ड्रेसिंग का जो वो टेबल है ना, वो भी पापा के वो क्या बोलते इसको रेस्टोरेंट का था, उसको हमने एकदम रिपेयर करके एकदम चुम्बेश्वरी बना दिया। फिर आओ जी, फिर इधर मैंने एस लिखा था स्टिकर से, वो एथोस ने निकाल दिया। मेरे को पहले स्टिकर्स का बहुत शौक था, इधर भी स्टिकर्स है, सिर्फ स्टिकर्स तो स्टिकर्स। देन इधर आप देखोगे तो ये इसको क्या बोलते हैं, अगर कभी चोर आ जाए तो चोर के, हाँ चोर के लिए मतलब एक दिन से दो निशाने, इसको वो चावल वावल जो होता है ना, पहले मिक्सर ग्राइंडर तो नहीं था, इससे वो करते थे फार दिन बार नहीं वो पीसते थे, मतलब हिंदी वाले लोगों के पास तो वैसा वैसा होता था ना, तो हमारे पास वैसा ऐसा ऐसा है ना, जो भी है समझ के हो ना, तो भाई हम इधर रहते हैं क्योंकि चोर के साथ मारेंगे। फिर आता है, फिर से हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि हमारे इस घर में तीन रूम है विदाउट किचन का छोटे, इधर आ जाओ। फिर ऑब्वियसली हमारे पड़ता है ये सॉरी भगवान जी, सॉरी सॉरी भगवान का रूम, और हाँ इधर आए, हाँ मैं तो थक गई। तो मेरा और दी का प्लान ये था कि लोग जब आते हैं तब ये बेडरूम फिर टीवी भी सब कुछ ये इधर ही होता है, तो मैंने और दी ने प्लान किया था कि इस वाले इस रूम को हम वो सोफा वोफा टीवी भी सब इधर रखेंगे और बेडरूम पूरा तरीके से इधर बनेंगे, तो अगर सब कुछ ठीक होता है फिर बाद में आपको दे देंगे, ठीक है। फिर आ जाओ, अब आते हैं किचन के बारे कम कितने, फिर आते हैं हम मम्मी के मम्मी पापा के रूम पे मम्मी पापा के रूम पे, और आता है हमारा किचन जो कि सबसे बड़ा है रूम। रिटेक गाइस, रिटेक, रिटेक। मम्मी पापा के रूम तो पहले दिखा चुकी हूँ, फिर इधर आता है और एक दरवाजा जो कि जाता है किचन की तरफ, कम जो कि सबसे बड़ा है किचन, हमारा किचन का रूम मैं दिखाती हूँ, रुको
दिस इज अवर किचन, किचन का रूम सबसे ज्यादा बड़ा है। ओके फर्स्ट दिस साइड जहाँ पर होता है मोबाइल रखने का, फोन रखना, एवरीथिंग। इधर हम सब्जी रखते हैं, इधर मकड़ी का चारा वाला है अंदर, फिर आता ये वाला एरिया, फिर आता है रैक, फिर आता है हमारा बेसिन, आता है हमारा बेसिन जो हम नहीं दिखा सकते, दीख से सख्त बना है। फिर आता है हमारा इधर वॉशरूम और टॉयलेट, इधर बाद में दिखाएंगे, पहले पूरा किचन कवर करता है। फिर हमारा आता है फ्रिज, बहुत रिक्वेस्ट के बाद दुकान से दो दो फ्रिज थे, एक मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट के बाद इधर ये आ गया, जिसमें हमारा है सस्ता कश्मीर। सस्ता कश्मीर में हमने ड्रेन भी बनाया है गाइस, ये देखो बहुत मुश्किलों के बाद हमने एक ड्रेन भी बनाया। चलो फ्रिज को टोर बाद में कराएंगे, फ्रिज का टोर। फिर आता है एक टेबल जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है, बहुत ही ज्यादा पुराना है, इसके साथ बहुत ही ज्यादा स्टोरीज है जो मेरे दिमाग में नहीं है। फिर आता है इधर डैग बैग होकलदास है, जिसमें सब कहीं बस्ता बस्ता सब है, बस्ता बस्ता ड्रम्स है, बैग्स इधर लटके हुए है। फिर आता है खिड़की, फिर आता है ये, फिर आता है नजारा मिलता है, ये चटाई, चटाई बोलते हैं ना जो भी बोलते हैं, देख लो ये बिस्तर में था तो बिस्तर तो चला गया, और इधर इन फ्यूचर बिस्तर ही आने वाला है। इधर है जिससे आपको बहुत ही ज्यादा मुंह पे पानी आएगा, इमली, इमली जिसको शायद मम्मी ने सुखाने देने के लिए भूल गई। फिर आता है हमारा ये ऑब्वियसली टेबल, फिर इधर का खत्म, आ जाओ इधर खत्म, किचन हमारा दिखाना है। और यहाँ ऊपर है हमारा फैन गाइस, फैन, दो दो लाइटें हैं हमारे किचन में, हम अमीर गाइस, अमीर। बाद आता है हमारा ये वाला एरिया जिससे हम बाथरूम टॉयलेट ये सब दिखाना पड़ेगा क्या? कोई नहीं, अगर आपको देखना है तो प्लीज। फिर इधर हमारा सिलेंडर है जो खाली पड़ा है, फिल्टर है, बकेट है, इसका पानी इधर जाता है। ओके फिर आता है ये तो दिखा दे, इतना बड़ा हमारा, इतना दिख दिया बोले हमारा इतना बड़ा टंकी दरवाजा जो ऐसा बंद रहता है, अभी खोलता है। फिर आता है हमारा बाथरूम, यूरिन एंड टॉयलेट जो कि इधर काना हो गया दरवाजा, बट इट्स ओके। फिर आता है ये तीन का दरवाजा जो कि यू नो पार्टीशन है। फिर आता है हमारा टॉयलेट का लैट्रिन का टंकी जो कि अभी तक नहीं भरा है। और इधर है हमारा स्विच बोर्ड, शब्द करो, इधर है हमारा दो खिड़की जो कि यूजलेस है। और इधर छागल का गौर, गोरू गौर, गाय का घर, इधर वो हमारा जो बकरी बकरी है सब उधर रहता है, और इधर है हमारा छोटा मोटा सब वो चूल्हा, चूल्हा का घर, सो या। और इधर से निकल के हम उधर से जा सकते हैं, उधर से, इधर से आ सकते हो आप लोग। ओके डन, और मैं तो थक गई। और ऐसे आप लोगों को मिलेंगे ये तीनों, जिससे आपको डरने का नहीं, मैंने दिखा दिया सब कुछ, हमारा महल, हमारा राजमहल, एंड आई लव माय होम। तो मैं एक जगह दिखानी भूल गई, दिखाना तो भूल ही गई, तो व्हेन यू एंटर्ड इन माय यू नो घर, फिर आपको ऐसे एंटर करते हो, और ब्राइटनेस थोड़ा मैं बढ़ा लेती हूँ, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, एंटर करते हो, करते हो। फिर इधर आता है मेरा आलीशान घर, फिर आता है हमारा ये वाला एरिया, इधर मैं वो इधर दिख रहा है क्या, इधर मैं वो करती हूँ पूजा के लिए जो बर्तन धोने पड़ते हैं ना, वो इधर धोती हूँ, तो ये वाला एरिया बर्तन धोने के लिए, मतलब सिर्फ पूजा के लिए। और इधर है हमारा तुलसी का मेदी, इसको हम बैंगलोर में तुलसी मेदी बोलते हैं, इधर हमारा तुलसी वुलसी सब कुछ, और ये हमारा वेरी गेट। अब जब आप लोग एंटर करोगे ना, तो सबसे पहले आपको हमारे घर में देखने को मिलेगा सिर्फ ग्रीन और ग्रीन, सब कुछ ग्रीन। एंटर करोगे ना तो पहले ये खिड़की मिलती है भगवान की द्वार, फिर वो क्रॉस करके घर के अंदर घुसना पड़ेगा। अगर आपको शैतानी शक्ति हो तो आप नहीं घुस सकते, ओके, उधर भगवान आपको वो रोक लेंगे, ठीक है। पहले ना मुझे, अगर मेरे घर में कोई आता था ना, तो मेरे को बहुत शर्म आती थी, लाइक हमारे तो छत नहीं है ना छत, तो इस वजह से मुझे बहुत शर्म आती थी कि यार छत नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। अभी समझ में आया कि लोग क्या ही बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, घर की वजह से ही हम इतना खुश है, हम इतना सेफ फील करते हैं, हम इतना ज़्यादा खुश रहते हैं। पहले ऐसा लगता था, बट अभी मेरे को लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस खुद से, खुद के सपनों से और खुद के लोगों से फ़र्क पड़ता है, बाकी दुनिया चाहे बाहर में नहीं, मतलब लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, स्पेशली नेगेटिव लोग क्या बोलते हैं, उनके बाद डैम इंग्लिश अच्छी बोली हूँ, वाह।